नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का आज मंडे के दिन इंट्राडे में मूवमेंट कैसा था और उसे अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल ट्यूजडे के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब। दोस्तों, बना बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज के दिन का अपन को पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलती है जो की थी अराउंड 157 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद देखेंगे तो अपन को पूरे दिन एक रेंज में काम करते हुए देखने वाला बैंक निफ्टी, कोई भी हमें ट्रेंडिंग मूव देखने को नहीं मिले, और ऐसे रेंज में काम करने से एक अपन को सिर्फ प्रीमियम डी के ही आज मंडे के दिन देखने को मिला होगा। साइडवेज मोमेंटम होने के कारण सिर्फ अपन को आज का दिन ऑप्शन सेलर्स का ही देखने को मिला होगा, और ऐसे मोमेंटम में अपन को ऑप्शन बाइंग में कोई भी हमें प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिले होंगे। ये जो एक बड़ी कैंडल हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिली है, ये एक हमें एक ट्रैपिंग कैंडल टाइप की फॉर्म होती हुई देखने को मिली है, जिसमें कि हमें हाई का ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, और ऊपर की तरफ से एक हमें फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है साथ ही साथ, और क्लोजिंग हमें इस रेंज के अंदर ही हमें करते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी, जो कि लेवल है 51,430 के लेवल के आसपास का। तो ये था बैंक निफ्टी का मंडे के दिन का इंट्राडे का मूवमेंट का एनालिसिस। तो चलिए अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अभी अपन आ गए बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और यहाँ पे एक अपन को कंसोलिडेशन मूव अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों से, और एक साइडवेज रेंज में हमें एक ऊपर की तरफ स्लो मोमेंटम करते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट अपन को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है पहले ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 51,623 का लेवल। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है एक अच्छी बुलिश कैंडल से, तो एक अपन को अपसाइड में एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 52,340 तक के लेवल। बेयरिश मूव की बात करें तो अपन को तभी देखने को मिले जब ये लेवल के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले, जो कि है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तभी एक अपन को डाउन साइड में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसमें फिर जो सीधा टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,280 तक के ये वाले हमारे स्विंग लेवल। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करे, यहाँ पे एक अपन को वॉलेटाइल मूव बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस के अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मूवमेंट और कहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल ट्यूजडे के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे बियरिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिल सकती है। डाउनसाइड की मोमेंटम अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, जो कि अराउंड 51,256 का लेवल। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम यहाँ से डाउन साइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट अपना 51,100 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 50,840 के आसपास का, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला लेवल, जो कि अराउंड 50,650 के आसपास के लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 51,250 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी। तो अब चलिए देखते हैं बुलिश मूवमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। बुलिश मूवमेंट अपन को तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल का ब्रेकआउट करे, जो कि है 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल, या फिर बोल सकते हैं 51,550 के आसपास का लेवल। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं तो एक अपन को अच्छी मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकती है, जिसमें कि और ऊपर के टारगेट के लिए मैं पहले चार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर अपन को बहुत दिन बाद मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 51,640 का लेवल, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना नेक्स्ट टारगेट 51,780 तक के देखने को मिल सकते हैं, और जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे ये वाला लेवल, जो कि है 51,877 का, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 51,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे, जो कि है ये वाली रेंज, तो यहाँ पे अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को प्रीमियम डीके भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जो कि है 51,500 का साइकोलॉजिकल लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 51,250 का लेवल ब्रेकडाउन करे, तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वन क्या आ रही है, तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से एक अपन को ट्रेंड लाइन वन तो ही देखने को मिली, अगर अपन इस पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाए और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो एक अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन डाउन साइड के लिए देखने को मिल रही है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी, साथ ही साथ 51,256 का लेवल भी ब्रेकडाउन करे,
तभी एक अपन को अच्छी मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेगी। तो इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट पर मार्क करें। और किसी बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में अपन को कुछ अच्छे प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना पड़ेगा, या फिर कोई एक अपन को अच्छी एक रेंज बनती हुई देखने को मिले, जैसे कि 15 मिनट की रेंज या फिर 1 आवर रेंज, और उस रेंज के अंदर अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज़ के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, टेलीग्राम्स और एजुकेशनल चार्ट पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।